कभी फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए शोध करने वाले डॉक्टर विपिन गुप्ता आज बिना दवाइयों के डायबिटीज़ और थायराइड जैसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने भोपाल के पास में सेहतवन नाम की एक जगह चालू करी है, जहाँ लोग प्रकृति के बीच में रहकर इन बीमारियों से निजात पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर विपिन गुप्ता से और सुनते हैं उनकी कहानी। मैं जो हूँ, अपना जो मेरा लाइफ अभी तक कर रहा, उसको मैं तीन पार्ट में देखता हूँ। तो जो पहला पार्ट है 2010 तक का, करीब 20 साल का, उस दरमियान में मैं एक फार्मास्यूटिकल रिसर्चर रहा हूँ और ड्रग डिस्कवरी के फील्ड में काम करता रहा हूँ। तब मेरा एक बड़ा भरोसा था रिसर्च और डेवलपमेंट पे, फार्मास्यूटिकल्स पे। लेकिन फिर मेरे दिमाग में कुछ शक आने शुरू हुए और मेरा पहला शक जो था वो फार्मास्यूटिकल्स को लेके था कि मेडिसिन वाकई क्या लोगों को हेल्दी बनाती हैं या वो खुद एक बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं, मेरा जो एक रियलाइजेशन था वो लगातार स्ट्रांग होता जा रहा था कि अगर मेडिसिन ना हों तो लोग ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, लोग ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो फिर इस तरफ मैंने सोचना शुरू किया और थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। उन एक्सपेरिमेंट्स से मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ और ज़्यादा गड़बड़ है। तो मैं दोनों तरफ से ही करता रहा, थोड़ा एकेडमिक्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके एक्सपेरिमेंट करता रहा। मैंने अपनी फैमिली को, मेरे खासतौर से मेरे बेटे को, मैंने थोड़ा सा थोड़े और ऑप्शन एक्सप्लोर करने की सलाह दी एक रेगुलर एकेडमिक्स के अलावा, और खुद रिसर्च में और तरीके से कि कैसे बगैर मेडिसिन के कुछ हो, उस तरफ सोचने लगा। तो हालांकि मैंने कोई ऐसी बहुत नई चीज़ नहीं डेवलप की है, पुरानी चीज़ों को ही रियलाइज़ किया है एक नए तरीके से, थोड़ा और एक साइंटिफिक एक्यूमेन के हिसाब से। और वो ये थी कि हर एक ज़िंदा चीज़ें जो होती हैं उनके पास दो बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक जिसको कहते हैं रिप्रोडक्शन और एक और प्रॉपर्टी है सेल्फ रिपेयर की, कि सारी ज़िंदा चीज़ें अपने आप को खुद रिपेयर कर सकती हैं। तो फिर मैंने कुछ उन चीज़ों पे काम करना शुरू किया, काफ़ी फूड पे काफ़ी स्टडी की कि फूड सिस्टम हमारा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, वो चीज़ें मैंने कुछ आइडेंटिफाई की। तो जो ब्रॉडली मैं अगर बोलूँ तो मुझे दो तीन चीज़ें समझ में आई। एक तो समझ में आया है इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि कोई भी ज़िंदा चीज़ अकेले ज़िंदा नहीं रह सकती है। तो एक हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट है जिसमें कि पेड़ पौधे और इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो भी आसपास जंगल वगैरह है वो इन्वायरमेंट आता है। लेकिन एक और बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर है और जिसको टेक्निकली माइक्रोबायोम कहते हैं। कुछ जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो ये जो माइक्रोबायोम है इस पर मैंने काम किया और लोगों का जो अंदर फ्लोरा है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, तो उससे बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स आए हैं। तो वो एक अंदर का जंगल है और अनफॉर्चुनेटली वो अंदर का जंगल वैसे ही तेज़ी से ख़त्म हो रहा है जैसे कि बाहर का जंगल ख़त्म हो रहा है। एक ये बात भी है कि करीब 10-15 साल से एक बहुत बड़ी एक गलत फहमी सी पैदा हो गई है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, चाहे वो अमिताभ बच्चन कर रहे हों चाहे कोई भी कर रहे हों, कि जर्म्स को बुरा माना जाने लगा है। जबकि फैक्ट ये है कि उनके बगैर हमारी ज़िंदगी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, वो वैसे ही ज़रूरी हैं जैसे कि इन्वायरमेंट में इंसेक्ट्स और बीज वगैरह ज़रूरी है। तो वो मैंने देखा कि जैसे जैसे थोड़ा सा हाइजीन का सिस्टम चेंज करें, वो फ्लोरा अगर रिच किया जाए तो अपने आप बहुत सारे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि type 1 diabetes हुआ, hypothyroidism हुआ, एलर्जीज हुई, इनमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इवन कैंसर में काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि वो एक ह्यूमन सेल पर वो कंट्रोल रखते हैं।